हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सही टाइम पे व्लॉग चालू करा। आज कोई आया है मेहमान, बड़े दिनों बाद घूम रहे थे, ये न्यू ईयर पार्टीज बना रहे थे कहीं बाहर कोटा वोटा साइड। मेहमान आए, कहाँ चले थे आपके पार्टी से? मेहमान आए हैं तो ईद के चांद हो रहे हो, आजकल दिखते ही नहीं हो। ईद का चांद हो गए तो दिखता नहीं है, और क्या दिखता तो है ना, साल में एक बार। वही तो, साल के आखिरी दिन के टाइम पे आ रहे हो। ईद मनाएंगे ना आज? आज ईद मनाएंगे। कहाँ घूम रहे थे बताओ? अरे यार, मैं अजमेर गया था। अजमेर गए थे यार? कहाँ? अजमेर। या आंटी को तो कोई और जगह बता के बोल रही थी। और अंकल, ये साल हो गया खत्म, ये साल अगले साल का क्या रेजोल्यूशन लिया आपने कि क्या करोगे आप? क्या करूंगा? एक चीज छोड़ूंगा। क्या? अब वो बाद में बताऊंगा। क्या चीज छोड़ोगे? एक चीज छोड़ूंगा, बाद में बताऊंगा। नए साल आने तो फिर बताएंगे। ठीक है, एक एक रेजोल्यूशन ये भी लेना कि आप पेट कम करोगे। अरे यार बहुत कम हो गया, आप कितना और कम करोगे यार? कहाँ यार, ये तो ये जर्किन है, ये ऐसे लग रहा है। क्यों मजे ले रहे हो यार? नहीं हुआ। अरे पहले 36 थी, अब 32 रह गई। अरे यार, चाय बना चढ़ करके मेरे लिए। हाँ, आपके लिए बनवाइए। तो अंकल, अभी हम लोग जा रहे हैं, बीएड वीएड हेयर स्टाइल वगैरह सेट कर, नए साल में सेक्सी सा बन के घुसूंगा अंदर। हाँ हाँ, वो तो देख लिया मैंने, पहले ही सेट कर है, बस इस कलर कराओ, कहा सफेद आ गए। अभी हम जाते हैं, चल ले यार जल्दी से, बस सनस्क्रीन लगा लेते हैं। हेलो डॉगी, ओ पार्टनर भी है, अलग है, वो अलग है। अबे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। हेलो, सेकंड नहीं आता इनको। यार ये तो गलत बात है भाई। देखो ये बेसिकली जो टाइम चल रहा है ना, तो कहता है ना लेडीज फर्स्ट वाला टाइम है, और हमेशा यही है, देश चला रही है। चलो भाई, मेरा तो सब सेट हो चुका है, हेयर बियर्ड सब, तो बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ। जब तक ये फ्री होगी तब तक तो मैं अपने ना सारे काम वगैरह करके आ जाऊंगा। हाँ, उसी के लिए जा रहा हूँ। अभी यशी को लेने के लिए ये लोग जा रहे हैं सब, मीकू को भी मुझे मुझे कटवानी है, क्योंकि भाई कल हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे तो इनको भी अच्छा दिखना है। एक इंसान है जो हमारा ना नहाया ना धोया, 6 दिन हो गए, बीमार पड़ा था तो नहाना धोना भी बंद कर दिया था इसने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, थोड़ा सा आपको घर का क्या काम चल रहा है वो दिखाता हूँ, मम्मी से भी मिलते हैं। बाकी पतंग उड़ाने का मेरा कोई सीन नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, घर पे घर का काम दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, हमारी माता जी तैनात खड़ी है घर के बाहर। क्या हो गया, सो के उठ के आई अब? चलो ये साल खत्म। देखो घर का बाहर का प्लास्टर हो चुका है और कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे किस तरीके का डिजाइन हो चुका है बाहर का। अब थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख रही है पिक्चर। अभी तो बहुत सारी चेंजेस दिखेंगे बाहर भी आपको, अभी चल रहा है काम थोड़ा सा। कल ही मम्मी का रूम और सब डिसाइड हुआ है, आपको बताएगा? आप देखा कल रात को डिसाइड करा सर आपका रूम वगैरह कैसा बनने वाला है, क्या लाइट लगेगी, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, सब डिसाइड किया कल रात को, बेड वगैरह कैसा बनेगा सब। टेरेस पे मैंने एक चेंज करवाया था, ये पूरी वॉल पहले आपने देखा होगा कि लगी हुई थी, ये पूरी तोड़वा दी मैंने अब, ताकि पूरा बड़ा टेरेस लगे, वरना ये भी ऐसा लगने लगा था कि एक रूम है। रूम ही था तो रूम खुला हो गया ना? नहीं, अब खुला हो गया, दीवार लग के तो रूम ही हो गया था ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पहले तो रूम जैसा हो गया था ना, अभी क्या यहाँ पर सिटिंग एरिया बनाएंगे ताकि बारिश वारिश आए तो यहाँ बैठ सके। और ये ओपन टेरेस अब बड़ा लग रहा है ना, देखो टेरेस पहले तो इसकी तरह पूरी रेलगाड़ी से बन गई थी। पतंगे उड़ रही हैं वैसे तो, वैसे मैं थोड़ी देर में पतंगे उड़ाने जा रहा हूँ। अभी यार मैंने इनको बोला है सकरात तक ना इधर सीढ़ियाँ बनवा के, अभी क्या घर में जैसे लोहे का काम चालू होगा ना, तो यहाँ से एक सीढ़ियाँ बनवा के बस ऊपर की छत पे डोली बनवा के सबसे पहले ये रेडी करवाने के लिए बोला है मैंने। अब देखते हैं होता ही नहीं होता। हाँ छत वगैरह साफ साफ हो गई, बढ़िया है ना। नहीं लोहे, अपन लोहे का काम करवाएंगे तो वही बना देगा फिर अच्छी से सीढ़ी, अपने हिसाब से डिजाइन बनवा देगा पूरी की पूरी इसके नाप की। हाँ दो बनेंगे, एक ही बनेगी ना, एक नीचे के लिए मंदिर के। हाँ एक नीचे भी बनेगी, मेरे को तो इंतजार ही नहीं हो रहा अभी घर का भी कब रेडी हो जाए पूरा जल्दी। मंदिर का तो होली तक जितना होगा तो हो जाएगा, होली के बाद उसके बाद मैं आ जाऊंगी, काम चलता रहेगा। नहीं पूरा रेडी होने के बाद आएंगे यार, बीच में आके क्या करोगी, किराया ही भरते रहोगे। अरे तो क्या हो गया, एक एक डेढ़ महीना और से, होली के बाद एक डेढ़ महीना और लगेगा। अभी बोला था उनको तेजी से खींचने का प्लान कर रहे हैं पूरा काम। नए साल के क्या प्लान बना रखे हैं आपने? क्या प्लान है? गाजर का हलवा तो बनाया नहीं इस साल आपने? मावा ही नहीं आया, मौसम भी गया ही नहीं, मैंने सोचा हर साल ना गांव से मावा आता था उसके बाद गाजर का हलवा बनता था भर के, और मुझे इतना पसंद था, इतना पसंद। लेकिन अब तो मेरी आदत ही छूट गई गाजर का हलवा खाने की, पहले बहुत ज्यादा अच्छा लगता था मुझे, रोज स्कूल से आती एक कटोरी गाजर का हलवा, शाम को गाजर का हलवा, सिर्फ गाजर का हलवा खाता था मैं। क्या प्लान है आपका सुबह नए साल में जाने का, कहाँ जा रही हो? सोच रहे हैं, देखे कहाँ,
गणेश जी के मंदिर। मैक्सिमम बड़े लोग का यही प्लान होता है कि नया साल है चलो भगवान के ढोक देकर आते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा तो कुछ पता नहीं। तो मैं अपने बालों का पूरा ट्रीटमेंट करा के आ चुकी हूँ और आज जैसे बताया होगा किसी ने आपको या नहीं बताया कि आज मेरे बैक टू बैक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स हैं। एक तो रह गया नाक वाले पास, मतलब जाके एक बार दिखाना था। एक्चुअली मैं ना, मेरी आपसे दरख्वास्त है, एक पर्सनल डॉक्टर की अर्जी देना चाहती हूँ। चुप कर। और अब हम जा रहे हैं दांत के डॉक्टर के, मतलब मेरे डेंटिस्ट के, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग ट्रैवल पे अगर एक बार निकल गए तो फिर हम यही है कि हमारी अपॉइंटमेंट छूट जाती है, इसलिए ना इतना डिले हो गया। वरना मेरे तो जैसे सब लोग कहते हैं कि जरूरत नहीं थी इतना डिले हो गया इसीलिए, क्योंकि मैं टाइम पे जा नहीं पाई, सूरज भी टाइम पे जा नहीं पाया। पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ देखो जाने की, चाहे वो जाए ना जाए, क्योंकि उसको सिर्फ पतंग उड़ाने से मतलब है। आज मैं आ गई हूँ डॉक्टर के, पहली बार देखो मैं किसके साथ आई हूँ, वरना हमेशा तो मैं सूरज के साथ ही आती हूँ। और डॉक्टर ने मुझसे पूछा है कि सूरज क्यों नहीं आया, अब मैं जाके उनको बताऊंगी कि सूरज क्यों नहीं आया, क्योंकि पतंगों में इतना बिजी है ना, क्या कर सकते हैं। आज सूरज को उड़ानी थी पतंग, तो उसने ना ये अपनी 30 से ज्यादा इम्पोर्टेंस पतंग को दी, तो वो आज नहीं आया एंड ही डिड नॉट गो फॉर दैट एक्सरे आल्सो। बट इन द एंड ऑफ द डे शी विल कीप डूइंग दिस एक्सरे, हाउ विल आई प्लान द रिमेनिंग ट्रीटमेंट। सी दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम, बट ही इज नॉट यू नो इंटरेस्टेड राइट नाउ। ही इज अ बिग फैन ऑफ फ्लाइंग काइट्स, बहुत ज्यादा ही। That is fine, but in the end of the day, treatment only का delay हो रहा है। I know. Unnecessary होता क्या है, जो कि आराम से हो सकती है। It takes minutes, extra time. I know. रो रहे क्यों? अरे रो रही थी, वो आँखों में पानी हो गया, कि आँख में सीधा मेरी हवा गई ना, और आँखों से पहले मेरे वो चली गई थी, क्या कहते हैं, sunscreen. Okay. मैं खा ले। दीदी खा लो आपके लिए। वही इतनी सारी है, ओए आजा। दो लस्सी वाला था, भानू ने गलती से दूसरे वाले पे पेटीएम कर दिया। ओए पापड़ी चाट मत खाओ, ओए वापस कर दिए। आपका हो गया काम। इसे हम छोड़ने आए हैं ताकि ये जो भालू बन रही है, मैं मुच्छड़ से बिन मुच्छड़ बन सकूं। हाँ बिन मुच्छड़ मैं दोबारा आई हूँ, अगर आज अभी नहीं बनी वापस से। हाँ पता है, दिन में भी आए थे लेकिन उस टाइम आधे घंटे की वेटिंग थी, अब पता चले एक घंटे की वेटिंग हो तो कितना बुरा लगेगा। तो फिर फ्लाइट चलेंगे अपन। तू कहाँ घूम रहा है? पूछ से एक घंटा हो गया है। डॉक्टर पूछ रहे थे तेरे लिए, डॉक्टर कह रहे कि तू अपने ट्रीटमेंट में डिले कर रहा है। यार आज इम्पोर्टेंट पतंगबाजी भी तो होती है। इम्पोर्टेंट पतंगबाजी होती है? हाँ शर्म तो आती नहीं है कुछ भाई। इसको भी भानु के से लखन आ गए। किसको? हितेश को। हाँ क्यों? सुनो पार्टी हो, कल शाम तक जब तक मैं तुम्हें कॉन्सर्ट में नहीं ले जाऊँ, मेरे से तमीज से बात करो और मेरे सारे काम करो, ठीक है? तू हमें कॉन्सर्ट में लेके जा। हाँ ये तो बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है ना, तो लिमिट में। सुन एक कॉफी बना चल। और सुन तू, तू तेरे से क्या कर रहा हूँ, तू तो मुझसे बस प्यार से बात कर ले यार। यार गाइस तुम लोगों ने अपना वो नहीं बताया यार, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कल बताएंगे, आज फिर बताने का होता। ओ मैं तो सोच रही हूँ, फिर खुद पता नहीं पूछ। नहीं मेरा तो क्लियर है, मेरे को तो पेट अंदर करना है। तुम्हारा क्या है गाइस न्यू ईयर रेजोल्यूशन? ये क्या होता है न्यू ईयर पे? कोई ऐसी चीज जो तुम्हें करनी करनी है, मतलब अगले साल पता है, पर हमारा कोई ऐसा सिस्टम चलता नहीं करता। भाई जिम में एडमिशन देख कितनी तेजी से हो रहे हैं, हर साल एक तारीख को होते हैं। खोल लूंगा जिम। हाँ हाँ मैं तो डांस क्लास ज्वाइन करूंगी, डांस टीचर बुलाऊंगी घर पे डांस करने के लिए। बकवास मत कर, सच में बुलाऊंगी मैं। इस साल हमारा ना ऊट पटांग सा था थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बट कोई बात नहीं। इस बार अपने नंबर्स में अपने थोड़ी कम ग्रोथ की, लेकिन नेक्स्ट ईयर अपन बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, मैं बता रही हूँ ना। तू इसने बता दिया तो कर लेना। तुझे क्या आता है वो कर ला जा। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। मैगी बना ले चल आज। तेरे को मैं मैगी बना के खिलाऊं? खिला दे यार। तू नहीं खिला सकता मैगी बना के। मुझे कौन सा खिला रहा नहीं जाना। ब्लैकमेल वाली बात होती है फिर। पहली बार ऐसा मौका मिला मुझे, और चीज भी ऐसी है लोग मिस भी नहीं करना चाहेंगे। इनमें किसी में हिम्मत ही नहीं है कि ऐसे बोल दे कि हम तो नहीं जा रहे। जा अभी हम लोग कर रहे हैं वीडियो शूट, और वैसे सिर्फ दो दिन बाकी है किसी के बर्थडे में। वैसे यार तूने मेरा गिफ्ट तो देख लिया? नहीं देखा तो नहीं,
मतलब अंदाजा तो चल गया कि हाँ भाई क्या हो सकता है, लेकिन इसको ये थोड़ी पता कि कौन सा एडिशन है, कौन सा वाला सामान उसके अंदर है। ठीक है, मैंने कोच के सारे बैग देखे हुए ऐसा हो ही नहीं सकता सब देखा हुआ है मैंने। तुझे लगता है इस चीजों को मैं स्टॉक नहीं करती हूँगी? और क्या, चल चल मैंने ना भाई कसम से मेरे से बुरा तो कोई इंसान ही नहीं है गिफ्ट देने में। पिछली बार का बम्बर ये था भालू। और मतलब मैं प्लान भी करूँ तो मेरे आसपास वाले कबाड़ा कर सकते हैं, तो मेरे साथ और ये सरप्राइजेस का सीन बैठता नहीं है ठीक से। हितेश से प्लान करवाऊंगा अगली बार। पिछली बार के सामने पहुंच गए थे ना, तब बोला था मैंने। अरे झूठे, कब बोला? गाड़ी में। हाँ तो वही तो बोला था, यही गलती होती है। अपना प्लान आपको ऐसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, आसपास वालों को सबको पता हो, सिवाय उसके जिसका बर्थडे हो, बेवकूफ आदमी, वरना वो भी सरप्राइज तो होंगे ना यार। इससे पहले तो भाई साहब, और ये ना इसको ऐसे थे कैसे गाड़ी में मैं तो आगे बैठी, मेरी आंखों पट्टी लग रही, और ये ऐसे आई डोंट टेक, मेरे को गुस्सा, और पीछे मीको ऐसे कर रही, अरे चुप, अरे चुप, अरे चुप, अरे चुप, मैं अंधी हूं और बह रही हूं। यार इसके बर्थडे का कुछ प्लान व्लान तो बनाओ यार। मनाना कहा है ये बताओ पहले तो। सिर्फ डेकोरेशन करा देंगे। सुन तेरे घर पे डब्बा लेके आऊंगा एक बड़ा, इसके बर्थडे पे है ना। हां यार कल न्यू ईयर है ना, कल फटाके तो फोड़ेंगे, फटाके फोड़ेंगे, कैसे फोड़ेंगे? अब दो जा रहे हैं कॉन्सर्ट में, वहां अपने आप फटाके फोड़ेंगे। फटाके क्या होता है ओए बानू, वो चाहिए मुझे लंबी वाली लड़ी, लंबी लड़ी का वो बहुत सारे शॉट्स आते हैं ना, वो 240 हाँ। एक तो वो ऊंचे जाते हैं और एक अपन तेरी छत पे भी चढ़ जाएंगे, तो वो डबल ऊंचाई हो जाएगी। हाँ क्योंकि ना देख कल कॉन्सर्ट आएंगे, उसके बाद भाई यहाँ पे बमबारी होनी चाहिए। अरे आप बोलते हो बुढ़ाते तो होनी, दिवाली को भी नहीं छोड़ा। अरे चलेंगे। अरे यार ये पागल है क्या, दो लाना, इसके घर पे भी छोड़ेंगे, घर के पड़ोसी। इसके बर्थडे पे लड़ाई हो गई थी एक बार, सेलिब्रेट हुआ। हाँ वो बेस्ट था तेरे, पता है एक तरीके से इसका बर्थडे जैसे हुआ 12 बजे रोड पे लड़ाइयां चालू, दर 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 और इतने में अड़ोस पड़ोस सब जग गए और सब लड़ाई करने लग गए रात को 12 बजे। पहले यही होता था, कालू रहता था कोटा और हम लोग ऐसे होते थे, कालू नहीं आया, मैं से बोलती थी कालू नहीं आएगा तो मैं तो नहीं मनाऊंगी, कालू नहीं आएगा तो मैं तो नहीं मनाऊंगी, फिर कालू आता था रात को 12 बजे है और फिर हम घर वालों से झूठ बोल के आया था मैं कोटा में हूं आंटी, हां झूठ बोल के कोटा में, कोटा में और कालू यहाँ होता था। नहीं मुझे भी वो बेस्ट था, और उस टाइम भी मैं इसके लिए फ्रेम बनवाया था, उस टाइम हाँ। पैसे भी नहीं होते थे हाँ। किसी फ्रेंड से या किसी तरीके से वो फ्रेम बनवाया था, और पता है कैसे सेट कर रखा था उसको, दो लालटेन जलाई और छत पे, अरे बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा, और वो था भी हाँ मोटे होटो वाला केक, इसका स्माइली वाले बलून हाँ पूरी छत पे बलून। उस टाइम जीजी की शादी होने वाली थी, जीजी की शादी होने वाली थी 17 तारीख को, और 2 तारीख को मेरा बर्थडे, लोगों ने बहुत ही अच्छा मनाया था, सबने मिलके मनाया था भाई, बहुत सारे बहुत एफर्ट लगे थे उसमें तो, लेकिन बहुत उसने एफर्ट तो आज तक नहीं डाले हमने भाई। मेरे घर वालों ने हमेशा मेरे बर्थडे पे, हमारे बर्थडे, मेरे बर्थडे पे देखो क्या होता है, ताऊ जी बैठ जाएंगे यूं, और है ना इतना बड़ा होता है ना वो जिसमें हलवाई करते हैं, उसमें गाजर का हलवा दिखेगी नहीं तुझे सुबह पक्का पूरा उसमें दिखेगा ये भाई, रात को इतनी धुंध दिख रही है यार, ये बर्फ क्यों नहीं पड़ रही लेकिन शिमला में, ताकि हम जा सके शिमला यार, एक्चुअली हम जा ही नहीं पा रहे, हवा चल रही सनसनाना। चलो गाइस अभी हम खेलने वाले कार्ड्स, यशी को बड़ा मैंने कार्ड्स खेलने का। एंड गाइस आप लोग का न्यू ईयर का क्या रेजोल्यूशन है, वैसे कोई मतलब का नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता, सब फॉलो करेंगे, सब अपने बता दो, मिर्ची क्या सोचा है आप लोगों ने, जैसे सोचते तो हम भी हमसे भी फॉलो नहीं होता, आपने सोचा क्या है? मैं तो फॉलो करती हूं, हां ये फॉलो कर लेते, एक हमारा देश भी फॉलो कर लेता है नहीं आ गए, तो आप लोग बताइएगा। एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, मे दिस ईयर स्टार्ट्स एंड एंड्स विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलिंग, यू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, सब बहुत खुश, याद कराई थी पूरी की पूरी भाई, एंड सेम टू यू गाइस, ठीक है, और मिलते हैं अगले साल, बाय, लव यू सो मच।